राम मंदिर का बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह आज अयोध्या में आयोजित होने वाला है। पूरा देश इस पवित्र कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जिसमें देश की कई प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होंगी। विशेष रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कई क्रिकेटरों को भी आमंत्रित किया गया है, जैसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, पूर्व वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव और MS धोनी के भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की संभावना है। कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सहित वर्तमान भारतीय क्रिकेटरों को भी उनके कुछ साथियों के साथ निमंत्रण मिला है। विशेष रूप से विराट कोहली ने इंदौर में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के दूसरे T20 मैच के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री और अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ अपने मुंबई आवास पर निमंत्रण प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से मुंबई की यात्रा भी की थी। भारत की पूर्व महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज के भी इस कार्यक्रम में आने की संभावना है, जबकि वर्तमान कप्तान हरमनप्रीत कौर शनिवार 20 जनवरी को आमंत्रित लोगों की सूची में शामिल हो गई। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर यह विशेष निमंत्रण पाने वाले पहले क्रिकेटर बने थे, जिसकी सूचना सोशल मीडिया पर भी साझा की गई थी। उसके बाद इस सूची में MS धोनी, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन और हरमनप्रीत कौर को भी निमंत्रण दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली के इस पवित्र कार्यक्रम में शामिल होने की पूरी संभावना है और उन्हें BCCI ने इसकी अनुमति भी दे दी है। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 25 जनवरी से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हैदराबाद में इकट्ठी हुई है। भारत का पहला मुकाबला 25 जनवरी से हैदराबाद में खेला जाना है। कोहली ने कथित तौर पर एक अभ्यास शिविर में 21 जनवरी को हिस्सा लिया था और 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए अयोध्या जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, क्योंकि रामलला भगवान राम की घर वापसी के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। उन्होंने 11 दिन का खास उपवास भी रखा था। इस सूची में शामिल होने वाले सभी क्रिकेटर्स के नाम इस तरह हैं: नंबर 1 सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुनील गावस्कर, कपिल देव, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली, अनिल कुंबले, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर और गौतम गंभीर। इनके अलावा भी बॉलीवुड की कुछ मुख्य हस्तियां जैसे अमिताभ बच्चन जी, इस तरह से बड़े बड़े नाम रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है, भारत 25 तारीख से होने वाली इंग्लैंड की सीरीज में जीत पाएगा और जीत का मार्जिन क्या होगा, यह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरह क्रिकेट से रिलेटेड खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल क्रिकेट केसरी को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।